ये 360 का राउंडेड इंस्ट्रूमेंट है। सेंटर में होल जयपुर है, होल के नीचे से लाइन इक्वेटर। ये क्लॉक है, अच्छा। लेकिन ये हेमिस्फेरिकल क्लॉक है। अच्छा, यहाँ से ध्रुव तारा दिखता है ऊपर। ये सब 12 अलग अलग राशियाँ हैं। ये मेरे पीछे है जी विश्व की सबसे बड़ी घड़ी। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें मालूम चलता है इंक्लिनेशन एंगल्स, इंक्लिनेशन इसका अर्थ का। तो ये हम उतर गए हैं जी बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पे, शॉर्टकट है। तो ये हम पता नहीं कहाँ आ गए, जहाँ भी आ गए बहुत बढ़िया। तो जान देखिए आप, गर्मी और ऊपर से इतनी ट्रैफिक। फंस गए जी, फंस गए, बुरे फंस गए जाम में। कभी भी शॉर्टकट लेना ना लाइफ में मत लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा मरवाते हैं बंदे को। अब शॉर्टकट में आए टाइम बचाने के चक्कर में, जबकि यहाँ पे डबल टाइम लग रहा है और रास्ता भी नहीं पता और भीड़ इतनी है जिसका हिसाब कोई नहीं। एक तो गोप्रो हो जाता है जी बार बार हैंग, फिर बदलना पड़ता है, बैटरी को निकाल के फिर डालनी पड़ती है, फिर जाके चलता है। सारे गोप्रोज में यही प्रॉब्लम है। और ये रोड जा रही है सीधा जंतर मंतर को, सॉरी भैया सॉरी, और ये जंतर मंतर को जा रही सीधा। मेहनत भाई साहब, मेहनत कैसे खींच रहे हैं, देखो इसको, पता नहीं क्या डाला हुआ है इसमें। शाबाश, ओए चल पा सरस। पोलो तो फीको तो फंस गई भाई, फोड़ की फीको और कुड़ी चीको मैंने जमा पसंद नहीं। वाह क्या गेट है, राजे ने तब गेट बनाए हाथी घोड़े निकलने को। अब यहाँ पे एक्सयूवी निकल रही है चौड़ी चौड़ी, तो वो भी क्या करे, उसने थोड़ी सोचा था। तो हम पहुँच चुके हैं जी, इस टाइम बाइक पार्क कर दिया है वहाँ पे। मैं और जेडी जा रहे हैं अभी जंतर मंतर, जंतर मंतर के बाद जाएंगे आप सिटी पैलेस। तो मेरे वहाँ है जंतर मंतर, उधर है सिटी पैलेस। पहले जाएंगे हम जंतर मंतर, वहाँ दिखाएंगे आपको क्या कुछ है। हम भी पहली बार ही देख रहे हैं, आप भी पहली बार ही देख रहे हैं। और हमारा मास्क देखिए कहाँ तक पहुँचा हुआ है, बाखूब। तो जो भी होगा सब दिखाएँगे, ईच एंड एवरीथिंग। यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आता है जंतर मंतर, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और आसपास सारे लोग हैं। ये अगर आपने टॉप का व्लॉगर बनना ना, तो पहली आदत डाल लीजिए, जितने लोग हैं आसपास उसको नहीं देखना, सिर्फ लेंस को देखना है। तो ये है जंतर मंतर, चलते हैं अंदर। टिकट तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉम्पोजिट टिकट की, 300 रुपये लेके इकट्ठी ये जगह घूम सकते हैं, तो पैसे बच जाते हैं काफ़ी सारे। जंतर मंतर की टिकट है 50 रुपये की पर पर्सन। हमने 2 टिकट ली क्योंकि हम 2 जाने हैं। वैसे इट्स फॉर 50 रुपीज़ पर पर्सन। कॉम्पोजिट टिकट ले सकते हैं आप 300 रुपये की, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। अगर आपने 4-5 जगह जाना है, जैसे नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस या अलग अलग जगह जाना है, तो एक ही टिकट पे आप ये 6 जगह घूम सकते हैं। 2 दिन उसकी वैलिडिटी है। अंदर चलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका लोकल नाम जंतर मंतर है। तो जंतर का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, मंत्र का मतलब कैलकुलेशन। तो ये सारे एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको 1728 में बनाया था महाराजा सवाई जयसिंह ने। तो उन्होंने 5 जगह बनाए थे, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एंड जयपुर में। और जयपुर ऑब्जर्वेटरी के इंस्ट्रूमेंट वर्किंग में है, ये सारे वर्क कर रहे हैं। बट मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट है डे टाइम वर्क करते हैं सन की लाइट से, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो नाइट में यूज़ होते हैं। जैसे स्टार्टिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बना हुआ है, ये रात के समय में यूज़ होता है। यहाँ से हम कॉन्स्टलेशंस मालूम कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। यस, तो टोटल हमारी 27 कॉन्स्टलेशंस है, उनका मैप बना हुआ है। ये अब कैसे देखते हैं, आइए इधर। ये 360 का राउंडेड इंस्ट्रूमेंट है। सेंटर में होल जयपुर है, होल के नीचे से लाइन इक्वेटर, ऊपर जहाँ पॉइंट है नॉर्थ पोल है। और जितने भी कॉन्स्टलेशन उनके नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो इसका यूज़ करने का प्रोसेस क्या होता है, इस होल के ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक लंबे पाइप को रखना होता है पर्टिकुलर एंगल से। इसमें हाथ को देखो, सपोज करो ये अंतर या होल है, तो ऐसे एक पाइप लगाएंगे एक एंगल से, फिर पाइप के थ्रू देखेंगे। जो स्टार उधर दिखाई देगा, बाद में उस पाइप के नीचे यहाँ पर देखना नाम क्या आ रहा है। तो जो नाम पाइप के नीचे यहाँ मिलेगा, इसमें से दिखने वाला नक्षत्र वही होगा। तो यहाँ से उसकी पोजीशन चेक करते थे। उधर वो रफ था जो लिखने के लिए यूज़ करते थे, ऐसे ब्लैक बोर्ड की तरह। और उसके बाद में जन्म कुंडली वगैरह बनाई जाती थी। अच्छा, इससे लेके कॉन्स्टलेशंस वाला है। यस, वो जो सेंटर होल है वो जयपुर है। अब चलते हैं सेकंड वाले इंस्ट्रूमेंट पे, उसके बारे में जानते हैं क्या है वो। ये क्लॉक है, अच्छा। लेकिन ये हेमिस्फेरिकल क्लॉक है, अच्छा। 6 महीने सन रहता है उत्तरायण में, 6 महीने दक्षिणायन में। तो इधर का डायल है ये उत्तरायण के लिए, इसके अपोजिट बना हुआ है दक्षिणायन के लिए। अब ये कैसे वर्क करता है कि जब उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण में रहता है तो लाइट इधर रहती है, और लाइट रहती है तो ये कील लगा हुआ ना बीच में, इस कीले का शेडो आ रहा है, उससे टाइम मालूम चलता है। अच्छा, तो अगर उसको लंबी कर दे तो शेडो यहाँ आ जाएगा। हाँ। तो वहाँ देखो 12, 1, 2, ये 3, ये एक छोटा ब्लॉक 5 मिनट का, पूरा 1 घंटा, तो लगभग बीच में आ रहा हूँ। तो 3:30 के करीबन जयपुर के टाइम से हो रहा है, यहाँ का टाइम ही है। अच्छा। इसको अपन ऐड करेंगे कितना, 33 मिनट। क्यों 33 मिनट? क्यों हमारा टाइम जो चलता है वो इलाहाबाद से सेट, अच्छा IST, तो IST और जयपुर टाइम में वेरिएशन है 33 मिनट। यस, आप चेक कर लो अपनी घड़ी को कितना हो रहा है, लगभग 4:06 तो गलत करो घड़ी अलग होती है, वो कील छोटी है ना। हाँ हाँ, तो ये घड़ी है जो टाइम बताती थी उस टाइम में, हेमिस्फेरिकल क्लॉक है। हाँ, जो वास्तविक क्लॉक है ये है। ओके ओके, जो सूर्य घड़ी जिसको कहते हैं ना, तो कहते हैं भी सूर्य से ही बैठे थोड़ी काम कर रही है, लेकिन ये क्या है कि 6 महीने की काम की है, मतलब अच्छा, 6 महीने इसका मेन है सूरज की पोजीशन जानना। तो इसी महीनों में बताती है सिर्फ ये 6 महीने। कौन से 6 महीने? 22 मार्च से 22 सितंबर तक। ओके, बाकी 6 महीने इधर वाली, अच्छा दूसरी साइड वाली। ओके ओके, तो सूरज इधर हो जाता है ना, कुल मिलाकर के इसका मेन यूज है सूरज की पोजीशन चेक करना है कि उत्तरायण चल रहा है या दक्षिण चल रहा है। ठीक है, इधर ये है ध्रुव तारे को देखने की, रात में इसके इधर बैठ करके सामने देखोगे तो ध्रुव तारा नजर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से ध्रुव तारा दिखता है ऊपर, और ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, तो दिशा कौन सी रहेगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कंपास। ठीक है ठीक है, तो आज तो कंपास यूज करते हैं ना, वो तो बोला कि उस टाइम में तो नहीं था सब। ये घड़ी है यहाँ पे, अब इसके दो पार्ट्स है कि सुबह 6 से 12 बजे तक का समय उधर देखा जाएगा, 12 से शाम 6 बजे तक का टाइम इधर। उसका कारण कि ये दीवार है ना बीच में, तो सुबह जैसे ही सनराइज होगा ईस्ट में तो दीवार की परछाई उधर जाएगी, 12 बजे बाद में इधर आ जाएगी, तो 6 घंटे का समय उधर, 6 घंटे का इधर। ये जो मार्बल्स देख रहे हो, एक मार्बल 1 घंटे का है। अच्छा, इस 1 घंटे के मार्बल को पहले बांटा है 4 पार्ट, 15-15-15 मिनट के ब्लॉक में। 15 मिनट का ब्लॉक 5-5 में बैठा हुआ है, 5 1-1 में, और लास्ट में इसको भी 3 भागों में, यानी कि 20 सेकंड एक्यूरेट हम यहाँ से टाइम मालूम कर सकेंगे, लेकिन वो टाइम भी जयपुर का ही लोकल टाइम होगा। ओके, जैसे ही बादल हटेगा छाएँ आएगी और फिर इस घड़ी से आप मिलाओगे, आपकी घड़ी गलत हो सकती है लेकिन ये नहीं। अच्छा, लेकिन ये बात, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट उस टाइम के राजे के टाइम के 300 साल पहले 1728 के बने हुए हैं। ओके, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये यूनेस्को हेरिटेज में भी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड किया गया था 2010-11 के अंदर। ठीक है, ये है राशि चेक करने का यंत्र, राशि चक्र, इसका नाम है। अच्छा, राशि चेक करने का यंत्र, इसका नाम है जय प्रकाश। जय प्रकाश कि यहाँ के खाली जगह का मार्बल उसमें लगा हुआ है और वहाँ के खाली जगह का मार्बल इसमें लगा हुआ है। अच्छा, क्यों है ये कॉम्प्लीमेंट्री? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण से 1 घंटे ये काम करता है, 1 घंटे वो काम करता है। अब ये काम कैसे करते हैं कि दोनों के बीच में एक लोहे की प्लेट दिख रही है आपको। हाँ हाँ हाँ, बीच में सेंटर। इस प्लेट की छाया 1 घंटे मार्बल पे दिखाई देती है, 1 घंटे क्योंकि छाया होती है इधर से यूँ चलती है ना छाया, तो सूरज इधर से इधर चलेगा, छाया अपोजिट चलेगी। जब सुबह अपनी छाया इधर थी, शाम को घूम के इधर आ गई, तो उसी प्रकार से छाया इधर चलती है। तो जिसके मार्बल पे यानी इसके उसके जो दोनों में से एक के मार्बल पे है वही वर्किंग में माना जाएगा। इससे राशि कैसे मालूम चलती है कि अपना आकाश है, प्लेट की छाया सूर्य है, यहाँ नाम लिखे हुए हैं सभी राशियों को। अच्छा, लिखा हुआ है। हाँ, तो जहाँ जिस लाइन के ऊपर सिंह लिखा हुआ है ना, सिंह, हाँ हाँ, उस लाइन के ऊपर से जा रही छाया। तो कहने का मतलब कि इन दिनों में सूर्य सिंह राशि में है जयपुर जंतर मंतर के अनुसार। तो कोई बच्चा चाहे वर्ल्ड में कहीं पैदा होगा, उसकी कुंडली सिंह राशि से बनाई जा सकेगी। वैसे भी सिंह ही चल रहा है आजकल, लियो सिंह चल रहा है, अरे गलत नहीं होगा। अगस्त है ना, अगस्त नहीं, ये तो अगस्त में, अब तो मतलब कि अपन ने तो अखबार देख लिया या पढ़ लिया था, तो डिसाइड तो उस टाइम पे यहाँ पे बनाते थे। तो अभी यहाँ पे छाया गिरेगी जब सूरज निकलेगा, तो तब देखते हैं किस राशि पे जाके गिरती है ना। बोरे बोरे कहाँ पे? वहाँ पे देखो मार्बल पे हल्की छाया दिख रही। हाँ हाँ, तो उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नीचे वो वहाँ लिखा हुआ मिथुन सिंह, तो मिथुन का नीचे रह जाता है, ये सिंह राशि का। तो यूँ तो चल रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अच्छा, मैंने कहा सन का राइजिंग डायरेक्ट चेंज हो रहा है, तो वैसे वैसे ही ऊपर जाती जाएगी। तो ऊपर वाला नाम है ना, जो ऊपर वाला नाम से पहुँचेगी ना, तब तक सिंह राशि चलेगी। अब इसमें छाया कहाँ गिर रही है? देखो देखिए, वो गैप के अंदर। हाँ, गैप के अंदर वो भी। हाँ हाँ, वो बोला ये वर्किंग में नहीं। अच्छा, ये वर्किंग में नहीं है, जब ये मार्बल पर आएगी तब सही वर्क करेगा। नहीं, ये जो इस पे मार्बल्स पे लिखी हुई हैं तब से लिखी हुई हैं राशियां सब, सारे जो भी आप देख रहे हो इस जंतर मंतर में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुआ है। अच्छा, 300 साल से ये सब 12 अलग अलग राशियां हैं। अच्छा, इनसे एंगल चेक करते हैं कि सूर्य सिंह राशि में। हाँ हाँ, वो तो आपको मालूम चल गया वहाँ, लेकिन आपको मालूम है कि एक बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, एक इंग्लैंड में हो रहा है, क्या राशियाँ चेंज होगी उनकी? नहीं होगी। तो इसीलिए क्यों राशि तो एक ही रहेगी ना, लेकिन सन की पोजिशन उस राशि में डिफरेंट रहेगी। अच्छा, क्योंकि हर एक का लोकेशन चेंज हो गया। हाँ, तो यहाँ राइज हो रहा है तो उसका एंगल अलग आएगा, और वहाँ राइज हो रहा है तो तो हम देख रहे हैं कि जयपुर में सूर्य सिंह राशि में कितने डिग्री पे है। अच्छा, अभी यहाँ पर ओके, तो वो एंगल कहाँ से मिलेगा? ये सिंह राशि का घर है। अच्छा, इसके सामने नाम लिखा हुआ है सिंह राशि। और यहाँ पे देखो आप, छः दिख रही है, छाएँ यहाँ तक आ रही है। हाँ। वैसे छाएँ सब में आ रही है, लेकिन उनका यूज़ नहीं होगा, यूज़ इसी का हुआ क्योंकि इसमें अभी चल रहा है सिंह चल रहा है। हाँ। तो उधर से स्टार्ट 180, 150, 120, 90, ये 60 तक कम हो रहा है ना, इधर कम हो रहा है। हाँ। तो या तो इधर से कम कर दो या इसमें जोड़ दो। हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 60 और 7 कितने हो गए? 67। 67 सपोज कीजिए अगर किसी बच्चे ने अभी जन्म लिया तो हम पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह, उनकी आवश्यकता नहीं क्योंकि उनसे भी कैलकुलेट के एंगल निकालते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यही है तो हमने डायरेक्ट एंगल ले लिया 67 डिग्री। यहाँ से इस 67 डिग्री का यूज़ कहाँ करेंगे? जब जो इंस्ट्रूमेंट देखे थे अपन नक्षत्र वाला। हाँ। तो उसमें जो पाइप लगाएंगे अच्छा नॉर्थ पोल से 67 डिग्री पे, तो उसके नीचे नाम आएगा। हाँ। वो इस समय पैदा हुए बच्चे का नक्षत्र होगा। ओके, ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ, ठीक है, और उसके अनुसार उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, ये सारी राशियाँ 12 की 12 की अलग अलग सब पे नाम लिखे हुए हैं। एरीज, लियो, एक्वेरियस, वेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, ये 12 हैं। इस टाइम सिंह राशि का था, इसके अलावा विश्व में कहीं भी नहीं है। हाँ। और अब देखने चल रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। अच्छा, जिससे बड़ी दुनिया में और दूसरी घड़ी कोई नहीं है। ओके, जो 2 सेकंड एक्यूरेट टाइम देने में सक्षम है। अच्छा, यानी हम घड़ी देख के आए, उसकी एक्यूरेसी कितनी थी? 20 सेकंड। हाँ। इसकी एक्यूरेसी 2 सेकंड। अच्छा। क्योंकि उससे 10 गुना बड़ी है। ये उसके बाद ही बनाई होगी फिर ये उसके। हाँ, उसके बाद और एक्यूरेट करने के लिए तो ये 6 घंटे का समय इधर देखा जाता है, 6 घंटे। अच्छा, ये घड़ी है इतनी बड़ी, ये तो बहुत बड़ी है। ये मेरे पीछे है जी विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, जो दुनिया में कहीं और नहीं है। जो इससे पहले दिखाई थी उसकी 20 सेकंड की एक्यूरेसी थी, इसकी 2 सेकंड की है। 6 घंटे का टाइम इधर देखा जाता है और 6 घंटे का दूसरी साइड। तो बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है। छाएँ हैं, धूप आएगी तो पता लगेगा टाइम कितना है कि बादल आने की वजह से छाया जा चुकी है। अभी बादल है, जब छाया जाएगी तो टाइम पता लगेगा यहाँ का। इस पे धूप आके गिरेगी जब। ये पौड़ियाँ कहाँ जाती है ऊपर? वैसे ये तो वहाँ तक है, सिर्फ वहीं तक। नहीं, क्यों बनाई हुई हैं ऐसे ऊपर जाने के लिए? अच्छा, कुछ करते तो होंगे वहाँ खड़ के? नहीं, वो मतलब क्या एक्चुअली हमारा जो आर्किटेक्चरल सिंबल है ना, जो मतलब तो वो है। और दूसरी बात उसमें क्या है कि अपन जैसे पताका लगाते हैं ना, झंडा, तो राजा के टाइम पे राजा के झंडे लगती थे। मतलब प्रॉपर्टी किसकी है? ये जो बड़ी घड़ी है उसका मिनिएचर बनाया हुआ है सेम। ये जो फर्श देख रहे हो ना, ये फर्श मतलब कि अब 6 महीने में, हर 6 महीने में रिपेयर होता है। अच्छा। लेकिन जब ये बनाया था ना तो उसको तोड़ा था वापस रिपेयर करने के नाम से। अच्छा। तो हथौड़े आते हैं ना मोटे वाले। हाँ। उनसे दे के तोड़ा था, लेकिन उसके बाद में भी बोला कि उनसे टूटा नहीं था, लेकिन फिर बाद तोड़ ताड़ के निकाल दिया उसको। ये अब लगाते हैं, फिर बरसात आती है, फिर टूट जाता है। कितने अपने घर पे अपन दीवार होती है उसमें पेंटिंग कितने दिन में करते हैं? घर के कितने साल में करते हैं अपन? काफी साल, कम से कम 5-7 साल, 2-4-5 तो निकाल देंगे। हर 6 महीने में इसकी पेंटिंग होती है इसकी। हाँ जी, इन पेंटिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो हर 6 महीने। ऐसा क्यों कर देते हैं? बस वो करते हैं, पहले बारी में सही नहीं करते, पानी से करते हैं। अच्छा, तो वो फिर वापस मतलब बरसात हुई फिर साफ। ये जो यंत्र है इसको बोलते हैं चक्र यंत्र। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें मालूम चलता है इंक्लिनेशन एंगल्स। इंक्लिनेशन इसका अर्थ का, जैसे मैंने बताया सन का राइजिंग चेंज होता है, तो नहीं, हमारी अर्थ है कि सन कहीं नहीं जाता ना, उत्तरायण दक्षिणायण फिक्स है। हमारी अर्थ ही टिल्ट होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में। तो इन दिनों में सूर्य उत्तरायण में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन, तो सन नहीं बल्कि हमारी अर्थ नॉर्थ साइड में टिल्टेड है। तो कितना टिल्ट है उसको एग्जैक्ट चेक इससे किया जाता है। चेक करने का सिस्टम क्या है, इसमें रोड सेट करते हैं इसे लंबी। अच्छा, अगर ये लंबी रोड होगी तो उसकी शेडो इस डायल के ऊपर आएगी। यदि सन नॉर्थ में होगा तो इधर, साउथ में होगा तो इधर। ओके, ये इक्वेटर लाइन है, तो इस लाइन से इसकी डिस्टेंस शेडो होगी। दैट्स एग्जैक्टली इंक्लिनेशंस। लेकिन इसका सही समय है चेक करने का दिन के 12 बजे, क्योंकि टॉप पर रहेगा सन। आप एक पेन भी रखोगे, रोड की आवश्यकता नहीं, पेन भी रखोगे तो आपको शेडो दी जाएगी, आप चेक कर सकेंगे। ये इसका रफ है। अच्छा, रफ, क्योंकि इसमें मार्क है, उसमें मार्क नहीं है। और ये रफ है उसका। अच्छा, ये रफ राशि वालों का। रास्ता नहीं था। अच्छा, तो इसको मॉडिफाइड वहाँ पे किया ताकि अंदर जाकर के नजदीक से देख सके। अच्छा, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं हर यंत्र का एक रफ बनाया है। ये पहले बनाया होगा ना, ये पहले। और यहाँ पर ये आ गया राम यंत्र। राम यंत्र, ये जो राम यंत्र है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका जो गैप पार्ट है वहाँ पर है। अच्छा, इस वाले में, उसका गैप पार्ट यहाँ पर है। ये भी अल्टरनेट काम करेंगे जैसे राशि वाला देखा था। अच्छा, अब ये काम कर रहा है कैसे, इस पोल की छाया अभी स्लैब पे है यहाँ पर, लेकिन जैसे स्लैब से आउट हो जाएगी आपको वहाँ जाना होगा। अच्छा, अब शेडो कहाँ पे है आपको हल्की से दिखेंगे? हाँ बिल्कुल उधर है, 35 के पास, 35 पे लिखा है। तो इसका यूज़ क्या होता है, इससे चेक होता है सन एल्टीट्यूड कि होराइजन से अभी सन कितना ऊपर है। ये जो एंगल है सन का यहाँ से डायरेक्ट, वो एंगल कितना है यहाँ से, एंड पृथ्वी कितना रोटेट हुई है। अच्छा, पृथ्वी 24 घंटे में एक राउंड करती है, लेकिन हम रोटेशन जो शुरू मानते हैं दिन के 12 बजे, जैसे आज 12 से स्टार्ट हुआ तो 12 बजे से अब तक कितना रोटेट हो चुका है, इस समय सन कितना ऊपर है आपको देख सकते हैं। तो सन एंगल के लिए काउंटिंग आप इसी को देखो, ऊपर से काउंटिंग है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 90 वहाँ है। अच्छा, सेंटर छाया नहीं, इसका मतलब सन है टॉप पे, लेकिन जहाँ छाया आ रही है 35 लिखा हुआ है, 35 एट द मोमेंट 35 डिग्री द एंगल ऑफ सन। पृथ्वी के रोटेशन में ये भैया खड़ा है, इनके सामने वाला स्लैब है सामने, उसके उधर वाले किनारे से आप जाओ ऊपर टॉप पे 0 लिखा दिखेगा, 0 हाँ वो टॉप लिखा हुआ है 0 हाँ, उसी टॉप लाइन से लेके 10, 20, 30, 40 जहाँ शेडो है अपनी 180 ऊपर 90 है वो लिखा हुआ, हाँ 90 लिखा हुआ है। तो 90 से 1 डिग्री बैक साइड में, इट मीन्स 89 डिग्री अर्थ अपने एक्शन घूम चुकी है। यानी आज 12 बजे कहाँ थी, 0 की लाइन में, 12 से यूँ मूव कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो 12 बजे से अब तक हमारी पृथ्वी 89 डिग्री घूम चुकी है, और इस समय सन का एंगल है आप देखो 34.5 डिग्री है, ऊपर जा रहा है ना, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी एंगल कम होता जाएगा, मतलब आधा डिग्री कम हो गया इतनी देर। अब इसका यूज़ क्या होता है, दिन के 12 बजे शेडो आएगी 0 की लाइन में, वो शेडो जो 12 बजे हमारी शेडो, अगर हम एक घर के सामने कोई पोल खड़ा है और हमने एक मेजरमेंट के लिए फीता रखा है, आप रोज़ 12 बजे जाना उसकी शेडो को नापना, पॉइंट करते जाना, आपको एक चेंजिंग मिलेगी उसमें कि 6 महीने वो छाया बढ़ते हुए क्रम में जाएगी और 6 महीने घटते हुए क्रम में। तो जैसे 21 जून के बाद में हमारी छाया वो लंबी होती जाएगी रोज़, तो जिस अनुपात से लंबी हो रही है, यानी सूर्य नीचे जा रहा है जब दिन लंबी हो रही है, उसी अनुपात से हमारे दिन की अवधि छोटी होती जाएगी। अच्छा, 22 दिसंबर से फिर 22 दिसंबर तक होगी, फिर छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वैसे वैसे दिन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिन की अवधि को कैलकुलेट करने के लिए बना हुआ है, जिसको बोलते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त। दोनों कौन सा चीज़ जो अपन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर दोनों देखे ना, हाँ हाँ हाँ, ये उसका एक इनिशियल वर्जन है, मतलब अच्छा स्टार्टिंग में जो बनाया था, यस दिस इज द मॉडल एंड ये मॉडल है इन दोनों का। अच्छा, ये सामने तो टोटल यहाँ क्या है 16 यंत्र बनाए गए, जिनमें 8 एक्चुअल है, 8 मॉडल्स। ओके, दिल्ली वाले में सिर्फ 4 यंत्र बनाए थे, उज्जैन वाराणसी मथुरा में 3-3 यंत्र बनाए थे, इसलिए ये सबसे बड़ी है। और आज की डेट में तो विश्व की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी यही है, इससे बड़ी और कहीं भी नहीं है। तो ये है राजा जयसिंह की जंतर का पूरा अंतर। आपका शुभ नाम? मदन सिंह शेखावत। मदन सिंह शेखावत आज के हमारे गाइड थे यहाँ जंतर मंतर के, बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, टोटल 16 इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें से 8 को मॉडिफाई किया है, 8 उनका रेप्लिका है, जब चेंज किया था उसको, तो रेप्लिकास भी यहाँ पे और ओरिजिनल भी यहाँ पे। जैसे कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट घड़ी भी यहाँ पे उस टाइम की, लगभग 2011 में इसको यूनेस्को ने अपने अंडर लिया शायद, ऐसा कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, बट दिस इज़ ऑल जंतर मंतर मेरे बिहाइंड पे। तो जब भी यहाँ आओ ऐसे मत घूमिए बिना किसी उस रीज़न के, एक गाइड ज़रूर हायर कीजिए, तभी आपको थॉरली पता लगेगा चीज़ों के बारे में। ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, आपको समझ आएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए और कौन सा किस चीज़ के लिए। तो ये था जंतर मंतर, बाकी 1-2 फ़ोटोएँ खींचते हैं, उसके बाद बाहर जाके मिलते हैं आप।